अब देखा जाएगा भविष्य में क्या होता है, उसको क्या मालूम। अच्छा, आप बीजेपी पे हल्ला बोलते रहती हैं, तो इसमें गुनाह है क्या? नहीं नहीं गुनाह नहीं है। हाँ, लेकिन मेरा अपना जो बात है हम अपना रखते हैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से। लड़ेंगी तो जीतेंगी, देखा जाएगा भविष्य में क्या होता है, उसको क्या मालूम। अच्छा, इस कारण देवांशु आप देख रहे हैं इस फोन से, लालू यादव की बेटी रोनी आचार्य अपने ससुराल के दौरे यानी कि औरंगाबाद के दौरे पर थी। इस दौरान रोहिणी आचार्य को लेकर कई जगहों पर ये खबरें आए कि रोहिणी आचार्य हो सकता है कि आगामी लोकसभा चुनाव जो है वो लड़े। पटना एयरपोर्ट पर हमने ये सवाल रोहिणी आचार्य से पूछा कि क्या आप आगामी लोकसभा चुनाव औरंगाबाद या काराकाट से लड़ सकती हैं। इस पर विस्तार से बात की है रोहिणी आचार्य ने, और साथ ही हमने उनसे दूसरा सवाल ये भी किया कि ट्विटर पर आप काफी सक्रिय रहती हैं, बीजेपी पर हल्ला बोलती रहती हैं, तो उन्होंने कहा कि क्या बीजेपी पर हल्ला बोलना गुनाह है क्या। और इसके अलावा रोहिणी आचार्य ने संकेत दिया है सबसे बड़ा कि वो चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी। वन टू वन बात हुई है हमारी रोहिणी आचार्य से। रोहिणी आचार्य पटना एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो रही थी और दिल्ली से फिर सिंगापुर के लिए रवाना हो जाएंगी रोहिणी आचार्य। बीते हफ्ते औरंगाबाद में थी रोहिणी आचार्य, जहां पर स्थानीय पत्रकारों से बातचीत करते हुए ऑफ द बीट रोहिणी आचार्य ने यह कहा था कि वो चुनाव लड़ सकती हैं। और जब हमने यही सवाल पटना एयरपोर्ट पर रोहिणी आचार्य से किया तो देखिए क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही हैं रोहिणी आचार्य। लड़ना है आपको, काराकाट से खबरें चल रही हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है, लेकिन राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय रहती हैं आप, बीजेपी पे हल्ला बोलती रहती हैं, तो इसमें गुनाह है क्या? नहीं गुनाह नहीं है। हाँ, लेकिन मेरा अपना जो बात है हम अपना रखते हैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से। हाँ, बस लेकिन चुनाव लड़ने का इरादा नहीं है, कन्फर्म है? अभी कोई इरादा नहीं। लेकिन कहा जाता है कि लालू यादव जो है वो सक्रिय रहते हैं, आप उनकी बेटी हैं, लेकिन प्रशंसक चाहते हैं, कई लोगों से हमने बात की, कहते हैं कि रोहिणी जी लड़ेंगी तो जीतेंगी। अब देखा जाएगा भविष्य में क्या होता है, उसको क्या मालूम। अच्छा, डर भी सकती है मतलब। ओके, ये रोहिणी आचार्य थी, लालू यादव की बेटी थी, जो कि पटना एयरपोर्ट से जा रही हैं नई दिल्ली, उसके बाद सिंगापुर के लिए रवाना होंगी। लगातार दो तीन दिन से ये खबरें जो है वो चल रही थी कि रोहिणी आचार्य जो है वो औरंगाबाद या काराकाट से चुनाव जो है वो लड़ सकती हैं। इस पर हमने सवाल किए तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो है वो लोकसभा चुनाव जो है वो नहीं लड़ना है उन्हें। और साथ ही उन्होंने कहा कि हालांकि जब आखिरी लाइन उन्होंने कहा कि होप, लोग अगर चाहते हैं तो कुछ भी हो सकता है। और साथ ही जब हमने उनसे सवाल किया कि बीजेपी पर आप सोशल मीडिया पर हल्ला बोलती रहती हैं, तो उन्होंने कहा क्या हल्ला बोलना विरोधियों पर गुनाह है क्या। तो कुल मिला कहें कि औरंगाबाद के दौरे पर थी रोहिणी आचार्य और आज अब लौट रही हैं सिंगापुर, और पटना एयरपोर्ट पर हमने विस्तार से जो है रोहिणी आचार्य से बात की। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।